हेलो फ्रेंड्स, मैं संजना त्यागी संजना बुटीक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों पर अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है, जो हमने पहली वीडियो एक डाली थी जो सलवार की कटिंग की थी, आज उस सलवार की हम स्टिचिंग करेंगे जो कि सादा दो कली वाली हमारी सलवार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपनी जो हमारी बेल्ट है उसमें जो हमारा एक छोटा हमने पीस लिया था, जो हमें छोटा पीस जोड़ना था, उसे पहले इसमें अटैच्ड कर लेंगे सिंगल सिलाई लगाकर। उसके जो ऊपर फिर दबाकर सिलाई लगा देते हैं, पहले हम उसे लगा लेते हैं। तो चलिए पहले अपनी बेल्ट तैयार करते हैं। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगाकर ये यहाँ पर जो इसे नीचे ऐसे दबाकर लगा देते हैं, ये सिलाई लगा दी है। अब ये देखिए, जो हम अपना यहाँ पर जो सलवार में कमरबंद डलता है उसके लिए जो बनाएंगे, पहले उसे बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने पहले इसे यहाँ से इस तरीके से पकड़ लिया है, और ये हमारा इसमें जो एक्स्ट्रा है इसे हम छोड़ ही देंगे, वरना तो ये जब हम इसे डबल वैसे मोड़ेंगे तो ये दिक्कत करेगा। तो चलिए इसे कट कर देते हैं पहले। ये देखिए, मैंने बिल्कुल एक साथ कर लिया है इसे। अब हम यहाँ से, और ये देखिए, पहले मैं चौक से निशान लगा देती हूँ क्योंकि हमें यहाँ इतनी जगह इसमें ज़रा सी छोड़नी है। तो यहाँ से तो यहाँ तक इतनी, और फिर यहाँ से शुरू करेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से इस पर सिलाई लगा देंगे। बीच में ये देखिए, हम डेढ़ अंगल का पोर्शन छोड़ देंगे, और ये सिलाई यहाँ से पक्की करनी है हमें, जिससे कि उधड़े ना। और हम अपनी सिलाई भी छोटी कर लेते हैं क्योंकि हमने काफ़ी बड़ी कर रखी है। ये देखिए, यहीं से हम थोड़ा और आगे कर देते हैं क्योंकि हम इसे फोल्ड भी करेंगे। इसे वापस कर देते हैं इस तरीके से। अब आप इधर से आ जाइए, यहाँ से ये हमें डबल करनी है। यहाँ से भी सिलाई इसी तरीके से, जो पीछे पोर्शन था वो मैंने खाली छोड़ दिया है, और जो अपना मार्क लगाया था वहीं पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये सिलाई लगा दी है। अब इसे इस तरीके से रख कर ये हमने खोल लिया है इसे, और ऐसे करके ये देखिए, इस तरीके से ऐसे, ये जो इस तरीके से था इसे ऐसे करके एक सिलाई इधर और एक सिलाई इधर हम इसमें लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने इसे कर दिया है, ठीक से सिलाई लगा दी है। अब ये देखिए, इसे ऐसे करके यहाँ से ये ऊपर से देखिए ओपन हो चुका है, और इसमें यहाँ से कमरबंद जो हम बांधने के लिए निकाल लेते हैं वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसे इस तरीके से करके डबल फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए, ये हम अपनी पूरी ऊपर से ये इसका नेफा तैयार कर लेते हैं। और इसे हम यहाँ से टोटली बंद कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर कमरबंद के लिए और ये देखिए, हमें यहाँ से कोई खुला छोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कमरबंद को निकालने के लिए जगह हमने ऊपर से ऑलरेडी बना दी है।
ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बन चुका है। चलिए अब हम इसकी कलियां जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए ये जो हमने ऊपर से छोड़ दिया था पूरा हमारा ये बंद है, इसे हम यहाँ से ऊपर से कट कर लेंगे जैसे कि हमारी सलवार के दोनों पार्ट अलग हो जाएं। इसे इस तरीके से पहले या तो आप किसी की हेल्प ले लें, किसी से पकड़वा लें तब इसे कट करें। ये देखिए इसे हमने कट कर लिया है, अब ये हम दोनों अलग अलग कर लेते हैं। पहले अब एक तो हमारी कली इसमें जुड़ी हुई है और दूसरी कली एक हमने जो काटी थी उन्हें उठाकर एक कली इसमें और जोड़ लेंगे। ये देखिए ये जो हमारा यहाँ पे इस तरीके से है, इधर तो हमने इसमें आसन काट रखा है, अब इसे और कट करेंगे हम, थोड़ा बड़ा करेंगे। पहले इसे जोड़ लेते हैं इस तरीके से। ये कली तो हम यहाँ पर जोड़ लेंगे क्योंकि ये हमारी 4 इंच ऊपर से 3 इंच ऊपर से कली शुरू हो रही थी उस सलवार में, तो उसी के जैसे हम बना रहे हैं यहाँ पर इसकी सिलाई लगा देंगे पहले। चलिए इसे पूरा कर लेते हैं। और एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखें, जो ये हमारा कपड़ा है ये देखिए इसमें किनारी है, या तो आप इस किनारी को कट कर दें या फिर इसे बाहर की साइड कर दें, मतलब इसके अंदर सिलाई लगाएं, वरना तो आपकी जो सलवार है उसकी जो कली है वो खिंची खिंची सी जैसे उसमें थोड़े सला जाते हैं इस तरीके से हो जाएगी। ये देखिए हमने स्लाइस की पूरी लगा ली है और इसे पहले हम एक बार इक्वल कर लेते हैं। ये देखिए अब इसी के जैसे हम अपनी जो हमारी दूसरी कली है उसे जोड़ लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें कि कली ऐसा ना हो एक पार्ट में आगे की साइड और एक पार्ट में पीछे की साइड हो जाएं। देखिए ये हम दूसरी कली भी अपनी जोड़ लेते हैं, इसे भी ऐसे ही किनारी बाहर की तरफ छोड़कर तब सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने ये चारों जो हमारे कली जोड़ी हैं दोनों और चारों ये जो पार्ट थे एक जगह हमारे हो चुके हैं और हमने ये डबल कर लिया है। अब इसमें हम अपने जो सलवार का आसन है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमें वो आसन 16 इंच चाहिए जिसमें कि मेरा तो इंच टेप भी टूट गया। प्लीज़ अगर कोई बाज़ार जाए तो मुझे इंच टेप खरीद कर पार्सल कर देना, मैं आपका पेमेंट कर दूंगी ऑनलाइन। यह सिर्फ एक मजाक था। तो देखिए ये हमारी 7.5 इंच हमारी बेल्ट है तैयार, 7 इंच। तो ये देखिए इससे आगे हमें यानी कि हमें 9 इंच ये हमारी सलवार में आसन कट करना है। तो चलिए इसे पहले इक्वल कर लेते हैं और फिर इसे नाप कर कट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 9 इंच हो गया है, मार्क कर लेते हैं इस पर हम। वैसे इसमें कपड़े में लाइनिंग है दिखाई दे रहा है। ये देखिए अगर हम यहाँ से इसे नापेंगे तो ये हमारा यहाँ पर इतनी सिलाई आ जाएगी इसमें। तो ये देखिए 16 इंच ये देखिए ये 16 इंच, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है इसलिए ज़रा सा एक्स्ट्रा है। तो इसे हम अब यहाँ से कट कर देंगे, ये हमारा आसन हो गया और फिर इसकी सिलाई लगा देंगे। तो चलिए पहले इसे यहाँ से कट कर देते हैं। तो देखिए पहले हम इन्हें चारों पार्ट को भी एक जगह कर ले जो हमने ये कलियां जोड़ ली हैं इसे भी हम पहले एक जगह कर लेते हैं।
तो हम इसमें बिल्कुल चोर सिलाई लगाएंगे, जो हमारी उधड़े ना, जरासी भी इधर उधर ना हो। तो उसके लिए पहले हम इन्हें सीधे ही ऐसे पकड़ेंगे। देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, तो इसे हम सही से पकड़ लेंगे। ये देखिए पहले हमने इसे ऐसे ही सीधा पकड़ेंगे, और सीधे पर ही बहुत बिल्कुल बराबर बराबर सिलाई निकले भी ना, और बिल्कुल कोने पर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, और दोनों साइड इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल सिलाई हमें ध्यान रहे कोने पर लगानी है। ये देखिए अब इसे इस तरीके से पलटकर उल्टा करेंगे, और इसे ऐसे करके यहाँ से ये देखिए, और इसमें इतनी सिलाई लगाइए कि जो हमारी अंदर सिलाई का कपड़ा है वो इसमें अंदर कवर्ड हो जाए। यहाँ से ऐसे आप ये सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए ये मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, और अब इसे हम पहले ऐसे सीधा करेंगे, और इस सिलाई को या तो इस साइड या तो इस साइड दबाकर और इस पर फिर से सिलाई लगा देंगे। ये पट्टी कोई सी भी साइड आप दबा दीजिए और सिलाई लगा दीजिए, और दूसरी पट्टी भी अपनी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों सिलाइयाँ इसकी लगा ली हैं, दोनों इक्वल कर लिए हैं ऐसे ही। ये हम बाद में कट कर देंगे धागे जो एक्स्ट्रा हो गए हैं। और चलिए अब अपनी बेल्ट लेते हैं। पहले बेल्ट को इस तरीके से ये देखिए मैंने इसका डबल कर लिया है, और छोटे छोटे दो नोच तो इसके कोनों पर लगाएंगे, छोटे छोटे दो कट इस तरीके से, और एक कट बिल्कुल बीच में लगाएंगे। ये देखिए हमने इसमें यहाँ पर पीछे की साइड भी है कट लगा दिया है। अब हम अपनी बेल्ट को, जो हमारी सलवार की ये कलियाँ हैं, इनमें अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये एक बिल्कुल फ्रंट पे आनी है सिलाई, और एक बैक साइड। तो कोई सी भी एक सिलाई हम पकड़ लेंगे जिसमें कली हैं, ये हमारी बैक साइड रहेगी। ये देखिए इसे इस तरीके से यहाँ से रख के, और इस पर पहले हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं। हम सिर्फ इतनी ही सिलाई लगाकर, यहाँ बैक में प्लेट डलती हैं बड़ी, काफ़ी बड़ी दो प्लेट डलती हैं, वो डालेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जो हमारा कली वाला कपड़ा है उसमें हम प्लेट्स डालेंगे, और हम तकरीबन यहाँ पर दो प्लेट डालेंगे। तो चलिए यहाँ तक पहले हम थोड़ा सा चला लेते हैं इसे। और ये देखिए इस तरीके से एक ऐसे, चाहे तो आप इस तरीके से डाल दें और चाहे आप इस तरीके से डाल दें, दो प्लेट डाल दें इसमें, और चाहे तो आप सादा दो प्लेटें इस तरीके से भर देते हैं। ये देखिए एक ऐसे और एक ऐसे, चाहे तो ऐसे डाल दें। तो मैं इसी तरीके से दो प्लेट इसमें डाल दूँगी, और फिर ये अपनी सिलाई मैं तब तक करूँगी जो मैंने कोने पर, यहाँ पर ये देखिए ये कोने का जो मैंने चार तय करी थी, जब इसकी सॉरी दो तय करी थी, तो यहाँ पर निशान लगाया था, यहाँ तक ये सिलाई मैं अपनी लगा लूँगी। उसके बाद आगे हम फिर जो सलवार के प्लेट्स होती हैं उन्हें डालेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें जो ये हमारी प्लेट्स डलेंगी, ये देखिए सामने बिल्कुल जो मिडिल पोर्शन है यहाँ पर, जो इधर की प्लेट्स हैं वो ऐसे डलेंगी, और जो इधर की प्लेट्स हैं वो इधर ऐसे डलेंगी। तो ध्यान रखें।
ये देखिए, अब ये हमारा यहाँ से इतना पोर्शन है। अब हम इसमें पहले निशान लगा लेंगे और उसके ये देखिए यहाँ से ये और ये इस तरीके से हम इसके पार्टीशन कर लेंगे, तो हमें बहुत इजी रहेगा जो इसमें हम प्लेट्स डालेंगे उसके लिए, फिर बिल्कुल इक्वल आएंगी। तो आप इसमें मार्क लगा लें, सॉरी मैंने सीधी साइड लगा दिया इस तरीके से। ये देखिए अब हमने इनके पार्टीशन कर लिए हैं, 1 2 3 4, चार पार्टीशन हमने इसके कर लिए हैं। अब चार पार्टीशन ही हम इसके करेंगे जो हमारा ये कपड़ा है जिसमें हम चुन्नट डालेंगे। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ पर ये सिलाई है, यहाँ से ये इतना पोर्शन हमें इसका चार पार्ट में करना है। इस तरीके से नाप लेंगे तो देखिए ये हमारा यहाँ पर मिडिल हो गया। दोनों तरफ मार्क कर दें, जिधर से भी बैठेगा मार्क आ जाएगा हमारा। और ये देखिए फिर इस तरीके से इसे भी हमने डबल कर लिया। और ये देखिए यहाँ पर हमारा ऐसे मार्क कर देंगे और इसमें अंदर की साइड भी मार्क कर देंगे। तो चलिए अब हम अपनी सिलाई शुरू करते हैं। अब ये देखिए बहुत कपड़ा ऐसे इस तरीके से उलझा हुआ है कि मेंटेन करना भारी हो रहा है। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ से और यहाँ तक का जो पोर्शन है ये इतना, इसमें हमें ये कपड़े की ये देखिए ये इतने कपड़े की प्लेट्स डालनी है, उससे आगे हमें नहीं डालनी है वरना तो आगे कपड़ा छोटा पड़ जाएगा। ये देखिए मैंने प्लेट इसमें डालकर इसे नीचे दबा दिया है। अब इसी तरीके से हम जो हमारा दूसरा हमने निशान लगाया था, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसमें जो ये यहाँ से यहाँ तक का निशान है इसकी प्लेट्स डाल देंगे। बूट को थोड़ा ऊपर उठा दें मशीन के, जिससे कि आपको प्लेट्स लगाने में दिक्कत ना हो। देखिए इसी तरीके से अपने सारे प्लेट्स बना लें। अगर आप बूट उठाकर इसे, बूट ये होता है अगर पंजा बोलते हैं जिसे, अगर इसे आप उठाकर तब प्लेट्स लगाएंगे तो वो बिल्कुल जो हमारी पहली वाली प्लेट हैं उनमें एडजस्ट हो जाएंगी और ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ से रोककर दोबारा ये फिर शुरू किया गया है। ये देखिए बिल्कुल इक्वल, आप ना ज़्यादा छोटी ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा ना तो छोटी डालें ना ज़्यादा बड़ी डालें, तो जितनी भी चुन्नट आ रही हैं वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। और ये हमारा बस लास्ट वन बचा है। तो फ्रेंड्स इससे आगे का जो वीडियो है वो आपको अगले पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। कुछ ज़रूरी काम होने की वजह से मुझे ये बीच में ही छोड़ना पड़ रहा है, और तब तक हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।